सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बच्चों के फिर से स्वागत है न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यार, कौन सा प्रोग्राम बेस्ट रहेगा, ठीक है? HDFC एस बैंकर प्रोग्राम या फिर कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी, और HDFC एस बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT IFBI अकेडमी, ठीक है? और अकेडमी दोनों सेम ही है यार, देखो दोनों बैंकिंग का ही कोर्स करा रही हैं, बस ये ठीक है IFBI है, वो BFSI है, बाकी तो एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो चलिए बात करते हैं कि कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, बैच कब तक स्टार्ट हो सकता है, और या फिर HDFC एस बैंकर प्रोग्राम। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या सर आफ्टर 45 डेज एश्योर्ड जॉब मिलेगी हमें? तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वीडियो एंड तक देखेंगे तो जो फ्रेशर्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी बैंक में जॉब करके अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को सीखने को भी मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे अभी दोस्तों कोटक, ठीक है, नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, और ठीक है पहला तो हम बात कर रहे हैं HDFC, ठीक है, एस बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, बाई NIIT अकेडमी, ठीक है, वशिष, वशिष का एंड मान लीजिए, दोनों में हम डिफरेंशिएट भी कर लेंगे कहीं कौन सा बेस्ट है, ठीक है, कोटक, ठीक है, नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी, ठीक है, मणिपाल अकेडमी। तो क्या डिफरेंशिएट है, कौन सा बेस्ट है, ठीक है, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, 100% जॉब मिलेगी सर, 100% जॉब, ठीक है, आफ्टर HDFC, ठीक है, एस बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, 100% जॉब एश्योर्ड जॉब मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं, बात करते हैं, तो कॉलम दो बना लेते हैं, ठीक है, और दोनों को थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, देन देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। अब दोनों को हम कॉलम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए थोड़ा सा। एक कॉलम में हम लेकर चल रहे हैं HDFC, ठीक है, एस बैंकर, NIIT, भाई दूसरे में हम लेकर चल रहे हैं कोटक का प्रोग्राम, कोटक नेक्स्ट जैन, ठीक है, ये है मणिपाल की तरफ से, ठीक है, मणिपाल अकेडमी। अब सबसे पहले पहला पॉइंट जो है, ये 45 डेज प्रोग्राम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, और जिसकी अब बात करते हैं, ऑपरेशन जॉब देने का वादा किया जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन जॉब। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि 45 डेज प्रोग्राम में भाई अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट विद 50% होना चाहिए आपका, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें तो आपकी जो ग्रेड रहने वाली है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर। पांचवा आपका जो CTC रहने वाला है 4.40 पर एनम, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो एज लिमिट की बात कर लीजिए, एज की अगर हम बात करें तो एज आपका 28 ईयर्स रहने वाला है लास्ट, ठीक है, 28 ईयर्स लास्ट है। वहीं अगर 7 पॉइंट अगर हम बात करें तो आपका जो जॉब मिलने वाला है, बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर आपकी ग्रेड रहने वाली है, ठीक है। वहीं आपका वर्क प्रोफाइल है, ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या कस्टमर सर्विस ऑफिसर। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड है, 45 डेज का प्रोग्राम है, ऑफलाइन है बेसिकली ये भी, ठीक है, ऑफलाइन प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब वहीं पे हम कोटक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा कोटक प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। कोटक की अगर हम बात करें तो आपका पूरा 1 ईयर का डिप्लोमा है, इसमें भी आपको पता है 4 मंथ आपका जो रहने वाला है, ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग CRT, 2 मंथ आपका जो रहने वाला है, ठीक है, OJT। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फोर और रिमेनिंग जो आपके 6 मंथ बचे, 6 मंथ आपका इंटेंसिव, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो CTC मिल रहा है आपको, वो आपका 5 लाख फिक्स है पर एनम, फिक्स दिया है, ठीक। और वहीं आपका थोड़ा सा इसमें हमने फीस की बात नहीं की, टॉपिक ऐड कर लेंगे अभी। यहाँ पे CTC, यहाँ पे चलिए ग्रेड देख लेते हैं, DM,
डिप्टी मैनेजर आपका ग्रेड रहने वाला है, ठीक है। और आप सब जानते हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका ग्रेड है एएम से हायर ग्रेड होता है डीएम का। एएम से डीएम वन बनने में आपको मिनिमम 2 ईयर्स लग जाते हैं प्रमोशन में, ठीक है। तो भाई ग्रेड आपका इतना है, सीटीसी आपका 5 लाख है। अब भाई हम बात करें तो भाई इसमें आपका जो रहने वाला है वर्क आपका सेल्स का, मोस्टली सेल्स प्लस ऑप्स दोनों ही है। तो सेल्स का रेशियो 90% रखिए, ऑप्स का ओनली 10%, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें तो इसमें एज क्राइटेरिया आपका 27 ईयर है, 27 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है, 27 साल लास्ट है। वर्क प्रोफाइल आपका रिलेशनशिप मैनेजर रहता है, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर का मिलेगा ज़्यादातर आपको, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने वो बात नहीं की थी जो होनी चाहिए, पहले तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ मेल फीमेल वो था एलिजिबल। सेम हेयर अगर हम बात करें तो, ठीक है, मेल फीमेल वो था एलिजिबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कोटक में कि भाई कितना एलिजिबिलिटी चाहिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है सेम अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए विद 50%, और अगर आपने बीएससी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक किया है तो आपका 60% चाहिए, ठीक है। वहीं मोड आपका ज़्यादातर रेगुलर मांगते हैं, और यहाँ पे भी मोड देखो रेगुलर यहाँ पे भी रखते हैं, बट यहाँ पे दोनों में एक चीज़ और बोलूँगा, जिन कैंडिडेट ने ओपन से डिग्री की है डिस्टेंस से की है वो अप्लाई ज़रूर करें, सिर्फ इस वजह से ना बैठे रहें कि यार रेगुलर डिग्री है तो अप्लाई नहीं करें, करना चाहिए। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं ओपन डिग्री से, ओपन से डिग्री की है, ठीक है, डिस्टेंस से की, उनको भी मौका मिला है, ठीक है। वहीं अगर हम, ठीक है, ये 45 डेज के बाद आपको ऑफर लेटर आने में एक्चुअल में रियलिटी इज डेट कि 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, कभी कभी इंस्टेंट भी आ सकता है। ऑपरेशन जॉब है 100% तो नहीं बोलेंगे, बट एक रेशियो रहता है कि 90% मान के चलिए, 10% हो सकता है सेल्स वर्क दे दे, वो मैंने कई वीडियो में बताया। अंडर ग्रेजुएशन 50% एएम असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड लोअर होती है, डिप्टी मैनेजर तक आपको 2 साल लग जाते हैं पहुंचने में। सीटीसी 4.5 लाख 5 लाख, ठीक है, ज़्यादा नहीं 60,000 का फर्क है, ठीक है, वो भी फिक्स है, ठीक है। अब हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं इसी पे, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसकी फीस की बात करेंगे दोनों की, देखो डिफरेंशिएट कहाँ कहाँ आएगा। ओवरव्यू तो हमने जान लिया, ओवरव्यू इम्पोर्टेंट भी है आपको, जब तो ओवरव्यू के बारे में नहीं पता होगा कि यार प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या, आप क्यों ज्वाइन करेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों प्रोग्राम को, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें तो, ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं, इसका फीस बहुत कम है, 1,70,000 के आसपास आपका जाएगा, ठीक है, 1,70,000 लास्ट जाने वाला है, ठीक है। इसका फीस हायर है 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। सेकंड अब जो आपका फर्क आ जाएगा, देखो फीस में डिफरेंशिएट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, फर्क एक आ जाएगा आपका ग्रेड में। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, एएम इज लोअर और यहाँ पे जो ग्रेड होगी वो डीएम इज हायर और ये लोअर, ठीक है। वहीं तीसरा जो डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है वो आपका, ठीक है, ये हो गया। तीसरा बहुत फर्क है वो है डिपार्टमेंट को लेकर। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको जो मिलेगा ऑप्स का मिलेगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो आपका सेल्स रहेगा, 90% गारंटी दे रहा हूँ, 99 सेल्स ही देंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब, ठीक है, अब ये रहा, देखो अब लोकेशन की कुछ कैंडिडेट बात करते हैं कि सर लोकेशन क्या मिलेगा। तो लोकेशन देखो भाई पैन इंडिया यहाँ भी है, ठीक है, पैन इंडिया यहाँ भी लोकेशन है, पैन इंडिया में कहीं भी आपको लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन बहुत डिफरेंट करता है, यहाँ जो जो टाइम ड्यूरेशन है आपका, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बहुत फर्क करेगा ऑलवेज। देखो टाइम ड्यूरेशन आपका ओनली 45 डेज, आफ्टर 45 डेज यू विल गेट अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव मे बी, ठीक है, राइट। एंड ये डिफरेंस ये, यहाँ पे आपका पूरा 1 ईयर जाता है, बट आपको आफ्टर 4 मंथ ही आपका करियर स्टार्ट हो जाता है जब आप OGT में जाते हो इस प्रोग्राम के, ठीक है। OGT में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है शायद 10 से 20,000 के आसपास मंथली मिलता है,
भाई आप जब इंट्रेंस सिम में जाओगे, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, इंट्रेंस सिम में आपका 25,000 पर मंथ तक मिलेगा, बाकी स्टाइपेंड 5,000 यहाँ भी आपको मिलने वाला है मंथली, जो आप 4 मंथ करेंगे। टोटली 1 ईयर के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सर्टिफाइड प्रोग्राम में सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस इज ऑपरेशन, ठीक है, डिप्लोमा मान लीजिए या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे किस टाइम बाद मिलेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट 45 डेज बाद मिलेगा, 45 डेज। अब एक और डिफरेंट करता है इसी में एज, 28, 27। अब आप बोलेंगे कि सर कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है। देखो हाई ग्रोथ के लिए डेफिनेटली कोटक का प्रोग्राम बेस्ट है, हाई ग्रोथ है, ठीक है। हाई ग्रोथ किस वजह से है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हाई ग्रोथ जो होती है, हाई ग्रोथ में रहता है सबसे पहले DM1, CTC, ये सब हाई ग्रोथ में देखा जाता है। अब आपका जो प्रमोशन होगा आगे DM2 पे होगा, ठीक है भाई। आपका आप CTC सपोज करिए 5 लाख है, तो आपका नेक्स्ट ईयर हो सकता है 6 लाख तक हो जाए, तो ग्रेड बढ़ती है, ठीक है। ये 2 साल बाद बनेंगे आप, 2 ईयर्स लगते ही लगते हैं, मिनिमम 18 मंथ माने जाते हैं, 2 साल बाद आपको भाई, ये भी तो हर साल बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे आपका CTC, मैंने माना CTC लिख देता हूँ मैं, ठीक है सर, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे आपका जो CTC था 4.4, 4,40,000, ये भी फिक्स्ड है, ज़्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है 5 लाख हो, उस हिसाब से ही बढ़ेगा। यहाँ पे भी 2 साल बाद आप DM1 बनोगे। हायर ग्रोथ के लिए आपको डेफिनेटली कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम बेस्ट। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, कोटक बैंक भी बहुत टॉप लेवल बैंक है, हमारे इंडिया के टॉप में आती है, ठीक है, टॉप बैंक। अब सेम लाइक वहीं पे आप बोलेंगे सर HDFC भी टॉप में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आता है ना, प्रोग्राम डेफिनेटली दोनों बर्थेड प्रोग्राम है, बजट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी एजुकेशन लोन मिल जाएगा, यहाँ पे भी एजुकेशन लोन मिल रहा है, बट इट विल भी डिपेंड ऑन योर बजट। इफ़ योर बजट इज़ हाई, 2,80,000 खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बर्थेड प्रोग्राम आपको कोटक रहने वाला। अब मणिपाल है, मणिपाल अकेडमी में ऑफलाइन होगा प्रोग्राम, आप भी जानते हैं, ठीक है, बट 100% जॉब देती है मणिपाल अकेडमी, 100%। मेरे साथ जितने भी ICIC ERM डिपार्टमेंट में थे, वो ज़्यादातर सब मणिपाल अकेडमी का ICIC PO प्रोग्राम करके आए थे, 100% जॉब। दूसरा 45 डेज बाद, देखो इसका फिक्स नहीं है कि आपको 45 डेज बाद ही तुरंत जॉब मिल जाए, नहीं, 2 से 3 मंथ लग सकते हैं ऑफर लेटर जनरेट होने में। कभी कभी हो सकता है इंस्टेंट भी कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है, इंस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, ऑफर लेटर आने में। यहाँ पे आपका 4 मंथ बाद ही OGT करो, OGT के तुरंत बाद आपका इंटेंसिव करो, तुरंत OL आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें भी, तो ये रहा ओवरऑल। बाकी मेरे हिसाब से दोनों ही बर्थेड प्रोग्राम है। अगर हाई ग्रोथ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो डेफिनेटली फास्ट ग्रोथ के लिए है ये प्रोग्राम, ठीक है। फास्ट ग्रोथ इसमें थोड़ा सा स्लो होगा ग्रोथ, क्यों स्लो होगा, क्योंकि बट वो ये देखो फ़र्क कहाँ कहाँ है, 45 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ लगते हैं, तो मुझे लगता है आप 6 मंथ के अंदर अंदर आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, वहीं पे आपका कम फीस भी लग रहा है, तो वो बजट आपका बना रहेगा, ये तो आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हाई ग्रोथ के लिए डेफिनेटली कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, बट अगर ऑपरेशन वर्क चाहते हैं और हाँ 100% NIIT लिख कर देता है, अगर आप देखेंगे ज्वाइनिंग लेटर में 100% जॉब गारंटी नहीं होती है किसी भी एकेडमी की। एकेडमी बोलता है कि अगर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, देखो सिंपल सी बात है, जो हम देखो अब इसमें भी आप देखेंगे सिलेक्शन के लिए आपका एक टेस्ट होता है, सिसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट दीजिए तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, JL आपका टेस्ट के बाद आएगा, ठीक है। 45 डेज आप ऑफलाइन करिएगा जाके, राजस्थान में है शायद, ठीक है, RJ, ये आपका यहाँ पे टेस्ट भी होता है। देखो तो हाई ग्रोथ है तो हाई जो होता है ना, प्रोसेसिंग भी होती है, प्रोसेस भी हाई रहता है, हायरिंग प्रोसेस, टेस्ट है, PI है, पर्सनल इंटरव्यू, देयर आफ्टर ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें देखो 1 ईयर लग जाता है कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है, बाकी जॉब आपको 6 मंथ बाद ही मिल जाती है, ठीक, 6 मंथ बाद ही आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, और आप काम करने लगेंगे RM और ग्रेड मिल जाएगा आपको DM, ठीक है।
यहाँ पे 45 डेज बाद हो सकता है 2 से 3 महीने लगे, ये मैंने फिर भी रिपीट कर देना हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो मिलेगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव AM ग्रेड ये रहेगी, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर में है, ये भी ऑफलाइन ही कराते हैं, सबको पता होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। अगर मेरे हिसाब से अगर आपको अंडर बजट, देखो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, अंडर बजट में आपका 1,70,000 में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा और आपको AM जॉब मिल जाएगी, HDFC बैंक में मिलेगी, और HDFC बैंक का एक्सपीरियंस इंडिया के टॉप एक्सपीरियंस में आता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, टॉप में आता है, टॉप में बैंक है। अगर आप 1 साल 2 साल भी काम कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर में बहुत हाई ग्रोथ होगा, लिख कर रख लीजिए। वही कोटक में अगर आप देखो ग्रोथ किसकी होती है, ग्रेड की होती है, CTC की। अब यहाँ DM1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो DM2 बन जाएंगे 2 साल बाद। वहीं CTC अगर आपका 5 लाख दे रहे हैं ये लोग फिक्स, तो 2 साल बाद हो सकता है आपका 7 लाख तक पहुंच जाए, या हो सकता है 6.5 लाख तक पहुंच जाए। डेफिनेटली ग्रोथ इसकी हाई है, बट ये थोड़ा सा ये अंडर बजट नहीं है, ये आपका हाई है, थोड़ा ना हाई बजट का प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि 2,80,000, तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहा। बाकी दोनों बर्थडे प्रोग्राम है, बेस्ट प्रोग्राम है, जो चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए, और 100% जॉब वैसे तो कोई नहीं देता है, और ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन में ही जॉब मिले, और ज़रूरी नहीं है कोटक के बाद सेल्स में मिले, वहाँ भी ऑपरेशन दे सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या फ़र्क और आने वाला है इसमें, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। देखो एक काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर आपको NISM नहीं देना है, IRDA नहीं देना है, ठीक है, बस यहाँ पे आपको NISM देना है 5A सीरीज का, यस IRDA देना है बिल्कुल। यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और आपके गेस्ट लेक्चर भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये एग्ज़ाम नहीं देना है, ये भी नहीं देना, देयर आफ्टर बाकी जो भी आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ऑपरेशन रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, AML एट ऑल, तो ऑपरेशन वर्क ही आपको दिया जाएगा, बट कहीं भी 100% जॉब शॉर्टी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जब तक आप इनका फुलफिल क्राइटेरिया नहीं करेंगे NISM IRDA का, तब तक आपकी ज्वाइनिंग को, ठीक है, होल्ड भी कर सकते हैं, ये इनके ऊपर रहता है, ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा डिफरेंट। तो NISM IRDA की तैयारी कीजिए कोटक के लिए, इसमें नो NISM नो IRDA डायरेक्ट जॉइनिंग आफ्टर 45 डेज, थोड़ा सा ऑफर लेटर में टाइम लग सकता है। बाकी दोनों प्रोग्राम बेस्ट हैं, आपका बजट क्या कहता है, दोनों में एजुकेशन लोड का प्रोसेस होता है, ठीक है, और हाई ग्रोथ चाहिए कोटक में आ जाइए, ठीक है, फास्ट ग्रोथ, हाई ग्रोथ, अच्छी सैलरी, और हाँ अंडर बजट में अगर कोर्स करना चाहते हैं तो ऑपरेशन का वन ऑफ द बेस्ट, और इसमें देखो जरूरी नहीं है ऑपरेशन जॉब ऑप्स की जॉब मिले, देयर इज नो गारंटी। इसमें एक चीज़ कन्फर्म है कि भैया सेल्स की जॉब मिलेगी, मिलेगी 100% कन्फर्मेशन, ऑप्स मिले या ना मिले, ऑप्स का चांस 10% रखिए, बट इसको मैं 90% भी करता हूँ, फिर भी यहाँ जॉब मिलेगी। यहाँ पे ऑप्स की जरूरत नहीं है, क्या पता यहाँ पे बाद में सेल्स का ही ऑफर लेटर आपको देने। अब ऐसा क्यों, कभी कभी ऑप्स में वैकेंसी नहीं होती, तो वो अब बच्चा क्या करता है, प्रेशर डालता है, जब प्रेशर डालता है तो वो बोलते हैं कि भैया बेटा रिटेल में है, यही हमारे पास ऑप्शन है, ज्वाइन करना तो करिए, वरना फिर वेट करिए। और कब तक आप वेट करेंगे, हो सकता है 2 मंथ करे, 3 मंथ, 6 मंथ, इससे ज़्यादा क्या, 1 साल तक थोड़ी ना वेट करेंगे, 1 ईयर तक, तो बच्चा मजबूरी में फिर रिटेल की जॉब करता है, ये है रियलिटी। अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर गुड, बोथ आर बेस्ट, ठीक है, लास्ट टाइम जाते जाते और लिख दे रहा हूँ, हाई ग्रोथ, ठीक है, फास्ट ग्रोथ, और इसमें थोड़ा सा है स्लो ग्रोथ, दोनों में है, बट यहाँ पे स्लो क्यों बोला, ग्रोथ हमेशा आपके ग्रेड पर देखी जाएगी और CTC पर देखी जाएगी। बाकी दोनों में ज्वाइनिंग आपकी हो सकता है होम स्टेट मिल जाए, ठीक है, हो सकता है होम टाउन में मिल जाए, और हो सकता है आपको अनदर स्टेट में मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैन इंडिया कहीं भी मिल सकता है आपका ट्रेनिंग के बाद। तो और मेल फीमेल वो था एलिजिबल, दोनों के लिए दोनों बेस्ट हैं, बाकी मैंने सबको डिफ्रेंशिएट किया। आप जो भी क्वेरीज है कमेंट में पूछ लीजिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर लीजिए। और बाकी मैंने HDFC बैंकर प्रोग्राम का ग्रुप बनाया, आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो बहुत सारे 100+ कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर career@bajaj24 नाम से है, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर कर दीजिए, या मुझे आप लिंक्डइन पर भी मैसेज कर सकते हैं, कुमार हेमंत नागर नाम से प्रोफाइल है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, आप लोग अपनी क्वारी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कोटक का भी ग्रुप है, HDFC का भी है, फ्यूचर का भी, ICICI PU प्रोग्राम का, एक्सिस का भी है, जो ग्रुप में आप ऐड होना चाहें।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी दोनों प्रोग्राम बेस्ट हैं, ज्वाइन करना चाहिए आपको जो भी प्रोग्राम आप चाहते हैं जिसमें आपको जल्दी फास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपके बजट में आता है, प्रोग्राम ज्वाइन करिए। आप अपना करियर स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बुरे वक्त में कोई आपके काम नहीं आने वाला। अगर आपकी जेब में पैसा है तभी आपको सब पूछते हैं। इंसान अपने पद की वजह से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड, ठीक है ना। तो एक अच्छे ग्रेड से करियर स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अपने लिए जरूर काम कीजिए। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, आई नो, बट आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स इन फाइनेंस सेक्टर एंड आई नो अबाउट द प्रेशर टारगेट एट ऑल। बट भाई मेरे को टाइम से पैसा आ जाता है, मैं कमा रहा हूँ अपना, तो मैं खुश हूँ। क्योंकि अगर मैं बुरे वक्त में किसी से 1 रुपया मांगता हूँ तो वो होंगे तब भी मना कर देगा। सेम लाइक कि किसी पर डिपेंड न रहना पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाएँ, अपना आगे कदम बढ़ाएं, फ्यूचर में ग्रोथ करें, ब्राइट फ्यूचर बनाएं। तो नेगेटिविटी ना देखकर पॉजिटिविटी के साथ ज्वाइन करेंगे तो 100% गारंटी कि आप सर्वाइव कर जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में सीख लीजिए, कस्टमर के बारे में सीख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल, दोनों में इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है, इंग्लिश को सीखिए, ठीक है। कंप्यूटर में आपको एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑफिस, ये तीनों आते हैं, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और NISM की तैयारी करने के लिए सौरभ खाती सर का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। बाकी मेरे पास PDF पड़ी हुई है 5A सीरीज़ की, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे या फिर कहीं भी, तो मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। आप सब अपने ध्यान रखिएगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पॉजिटिविटी के साथ दोनों प्रोग्राम में से कोई सा ज्वाइन करिए जो आपको अच्छा लगता है, दोनों में डिफरेंशिएट किया। फास्ट ग्रोथ कोटक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, HDFC में आप स्टार्ट भी करते हो, ग्रोथ हमेशा आपको पता है ग्रेड की देखी जाएगी, CTC की देखी जाएगी, उसी पर आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। जो पद बोलते हैं ना हिंदी में कि पद का पावर है भाई, सैलरी थोड़ा बहुत कम रहती है या ज़्यादा रहती है, पद की पावर होती है, ऐसे ही इसमें ग्रोथ की आप जो होगी वो आपका CTC और उससे पहले ग्रेड की ग्रोथ होगी। थैंक यू, ऑल द